माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। अगर हम हीलिंग की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम थोड़ी बीमारी की बात करें। नहीं, सपोज करो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए भोजन करने के लिए और आपने भोजन कर लिया अच्छे से, आपको बहुत मजा आया। तभी एक वेटर आपके पास दौड़ता हुआ आता है, बहुत परेशान, उसको पसीना आ रहा है एकदम। कहता है, मैम वो दाल जो यहां पे रखी थी वो आपने, तो कहते हाँ हमने तो कर ली, क्या हो गया? मैम उस दाल में क्या है ना कि छिपकली गिर गई थी। उस वक्त हमारी स्थिति क्या होगी, विचार करिए क्या होगी हमारी स्थिति। आप समझदार हैं, जानते हैं क्या होगा, क्या होगा? मतलब ये समझ लीजिए हाल बेहाल हो जाएगा। जितना पसीना उस वेटर के माथे पे था उससे ज्यादा हमारे पे होगा। हम इतने बेचैन परेशान हो जाएंगे और हमारा पूरा मन, यू नो कहते ना जिसको जी खराब हो जाना, पूरा मन विचलित हो जाएगा और मुख में यू नो वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी और हम हो सकता है वॉमिटिंग भी करें और हमारा चेहरा पीला पड़ जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि बस अब हो गया काम। जब इतना ऐसा माहौल हो जाएगा तभी विचार करिए, दूसरा वेटर आता है आपके पास और कहता है, मैम इट्स ओके, वो दाल तो फेंक दी थी, एक्चुअल में जो दाल आपके पास आई थी ये तो ठीक थी। और आप फिर एक सेकंड में नॉर्मल होने लग जाएंगे। तो विचार करने की बात है ना, एक संकल्प में कितनी शक्ति होती, कितना बल होता है। एक संकल्प ने हमें बीमार कर दिया तो एक संकल्प हमें स्वस्थ नहीं कर सकता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जो संकल्प हम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटेंसिटी कितनी है, हम कितनी दृढ़ता से कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अब सपोज करो हम आपको संकल्प दें कि विचार करिए कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं और इसमें दृढ़ता हमारी नाम को भी नहीं है, बस हम कहते हैं मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं या मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि हम केवल विचार कर रहे हैं कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं लेकिन आई एम नॉट फीलिंग इट। और फीलिंग और विचार के बीच एक एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। अगर हम विजुअलाइज नहीं करते हैं जो विचार हम कर रहे हैं तो कुछ भी हो जाए आपको फीलिंग आने वाली नहीं है। मैंने ये संकल्प किया कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, विजुअलाइज क्या किया? विजुअलाइज तो मैं बीमारी को ही कर रहा हूं ना। तो अगर मैं बीमारी को विजुअलाइज कर रहा हूं तो मुझे फीलिंग क्या आएगी? और जो फीलिंग है बस वहीं से सारा काम शुरू होता है। आइदर मैं बीमार होने वाला हूं और स्वस्थ होने वाला हूं, ये मेरे उसी फीलिंग पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप संकल्प बार बार दोहराइए, हम दोहराते भी थे, हम दोहराते भी हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता और हम कहते हैं कि बार बार दोहराने से कुछ हो तो रहा नहीं है। वास्तव में हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम फील कैसा कर रहे हैं। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे। आपको एक उदाहरण देता हूं। कई बार आपने सुना भी होगा कि किसी को कैंसर हो गया, उसे ट्रीट किया गया, डॉक्टर्स ने उसको ट्रीट कर दिया और ट्रीट करने के बाद बोला अभी आप नॉर्मल हैं लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, थोड़ा वापस भी आ सकता है। अब आप खुद से पूछना चाहिए और आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि जब आपने इसे ट्रीट कर दिया, इसे खत्म कर दिया, तो वापस क्यों आ सकता है? जब आपने इसे ट्रीट कर दिया तो वापस क्यों आ सकता है? क्योंकि वो बीज यानी मन में रह गया है। किसी वृक्ष को आप ऊपर ऊपर से काट दीजिए, बिल्कुल जड़ से मत निकालिए, वापस वो निकल आएगा।
ठीक है, अपने सीजन में वो निकल आए, जैसे बरसात वगैरह पड़ेगी वो फिर से हरा भरा होने लग जाएगा, ठीक वैसे ही अपने ही सीजन में वो बीमारी फिर से उठने लग जाती है, क्योंकि वो मन में रहेगी, तन से भी साफ है फिलहाल, मन में रहेगी, और मन से उसे निकालने के लिए विचार। हम सभी के पास एक एनर्जी बॉडी होती है, और एनर्जी बॉडी के अंदर सोल होता है, यानी कि जिस पूरे शरीर को जो शक्ति चला रही है उसे हम सोल कहते हैं, वो अंदर बैठा है। यानी सिंपल वे में अगर हम बात करें, जैसे कि मानिए ये बॉडी है, इसके ऊपर हमने एक टी शर्ट पहना हुआ है, टी शर्ट के ऊपर हमने जैकेट पहना है, जैकेट दिखाई दे रहा है, टी शर्ट नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो जैकेट के अंदर है, राइट। ठीक वैसे ही इस पंच तत्वों की बॉडी के अंदर एक लाइट की बॉडी होती है, और लाइट की बॉडी के अंदर वो सोल है जो इस शरीर को चला रहा है। जब मैं कोई भी थॉट क्रिएट करता हूं, अर्थात तो सोल जब कोई भी थॉट क्रिएट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी उस एनर्जी बॉडी में फैल जाती है। अगर मैं ये संकल्प बार बार करता हूं कि मैं बहुत बीमार हूं, बहुत दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, मैं क्या करूं, तो उसकी एनर्जी मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है। सपोज करो मैं बार बार कहता हूं कि मेरा सर बड़ा भारी रहता है, मेरा सर बड़ा भारी रहता है, मेरा सर बड़ा भारी रहता है, तो होगा क्या, मुझ आत्मा यानी सोल से एनर्जी निकल के मेरी लाइट की बॉडी में जो वो ब्रेन है लाइट का उसमें समाएगी, सर में समाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है, वहां पर एक दाग क्रिएट करेगी, और जितना दाग उस लाइट की बॉडी में बनता जाएगा उतना ही पंच तत्वों में वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट होता जाएगा। और इसके ऊपर बहुत स्टडीज भी हुई है, खुद मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितनी भी री इनकारनेशन घटनाएं हैं, जिन्होंने भी पुनर्जन्म लिए हैं और जिन्हें याद रह गए हैं अपने पूर्व जन्म, तो बताया जाता है लगभग सभी केसेस में देखा गया है कि जिन जिन की डेथ पूर्व जन्म में किसी एक्सीडेंट से हुई है, या उन्हें किसी ने शूट कर दिया था, या कैसे भी अगर उन्हें कहीं चोट लगी है, कहीं निशान बना है बॉडी में, और उन्हें जल्दी ही फिर से जन्म मिल गया, तो पाया गया है कि उनके नए शरीर में, मतलब जो अभी मां के गर्भ में उन्हें मिला है और उनका जन्म हुआ है अगले जन्म में, तो देखा गया है बिल्कुल वहीं पे वैसा ही निशान पाया गया है, क्योंकि उन्हें पिछला जन्म याद है, वो बताते हैं तो पूर्व जन्म में बताते हैं कि मुझे यहाँ पे चोट लगी थी और सेम निशान वहां पर भी है, वो कैसे आ गया। मानिए एक व्यक्ति जिसके एक्सीडेंट में डेथ होती है और उसके सर में चोट लग जाती है और उससे ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से यहाँ पे काफी बड़ा निशान बन गया है और वो शरीर छोड़ता है। जैसे ही वो शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ते क्या होता है, शरीर तो वहां पड़ा है, लेकिन उसके मन में ये विचार निरंतर चलता रहता है, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, और निरंतर वो एनर्जी उस लाइट के शरीर में एक दाग बना दी रहती है। जैसे ही वो माँ के गर्भ में प्रवेश करती है आत्मा, तो उस नए शरीर में भी वो थॉट उसको निरंतर ही चलता रहता है कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। ये बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे मानिए कि आपने ये, जैसे सपोज करो हमने भी व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है और हमें कुछ भी कोई भी घटना ऐसी हो जाए जो हमारे लिए दुख भरी है, और हम अभी एक घंटे बाद या कल हम कोई दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, मान लिया रेड कलर पहन लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेड कलर पहनते ही मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा और वो जो दुख वाले थॉट थे वो खत्म हो जाएंगे, नहीं ना, वो तो चलते रहेंगे। ठीक वैसे यहाँ होता है पूर्व जन्म में, यानी जब वो शरीर छोड़ रहा है तो जो थॉट उसको चल रहे हैं, ठीक वैसे ही अगले जन्म में वो थॉट माँ के गर्भ में चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, वहां एक दाग बनाते जाते हैं। तो देखिए सिंपल, संकल्पों से बनते हैं हमारे कर्म, कर्म से बनते हैं संस्कार, और संस्कार से ही हमारा भाग्य बनता है, सिंपल सी बात है। तो जैसे आत्मा के संस्कार होते हैं ठीक उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है, सबने सुना है, वैसा ही शरीर उसे प्राप्त होता है। ये भी देखा गया है कि पुनर्जन्म की जितनी भी घटनाएं और जिन जिनको भी अपने जन्म याद रहे हैं, ये देखा गया है कि इस जन्म में जैसा उनका चेहरा है लगभग उसी से मेल खाता हुआ पूर्व जन्म में भी उनका चेहरा था। एक घटना मुझे याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कंट्री अमेरिका, राज्य फ्लोरिडा, स्थान विंटर पार्क, महिला का नाम इलिजाबेथ, उम्र 30 वर्ष। ये जो स्त्री है, ये जो महिला है, इसे क्या होता है, जब ये रात को सोती तो
तो इसे स्वप्न दिखाई देता। स्वप्न में वो क्या देखती है कि वो जहाज में खड़ी हुई है, उन्होंने रेशम के वस्त्र पहने हुए हैं, शी इज डांसिंग, और फिर वो देखती है कि जहाज वो हिलने लगता है। वो जहाज हिलता है और उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। तो ये बाहर देखती है जहाज के, तो देखती है लोग भगदड़ मचा रहे हैं, जहाज डूब रहा है, लोग भी डूब रहे हैं, उनके साथ मैं भी डूब रही हूँ। और उसके बाद देखती है कि सब कुछ काला काला हो जाता है। थोड़ी देर बाद इन्हें दिखता है कि बोस्टर जो एरिया है उसमें, बोस्टर पार्क के सामने एक घर है जिसका नाम है केंसिंगटन। उस वो घर पत्थर का बना हुआ है और उसके सामने एक व्यक्ति को, एक युवक को देखती है जिसका चेहरा लंबा है, आंखें काली। इन्हें स्वप्न में अक्सर दिखाई देता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मनोवैज्ञानिकों के पास जाती हैं, डॉक्टर आयान स्टीवनसन। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए वो मनोवैज्ञानिकों के पास जाती हैं, डॉक्टर आयान स्टीवनसन उनका नाम है, जिन्होंने सबसे पहले शोध करना शुरू किया था पुनर्जन्म की घटनाओं पर। इन्होंने जब शुरू किया था पुनर्जन्म की घटनाओं पर शोध करना, तो इन्होंने ये सोचकर शुरू किया था कि मैं साबित कर दूंगा कि पुनर्जन्म की घटनाएं सारी गलत होती हैं, दे आर नॉट राइट, वो सही नहीं है, मैं प्रूफ कर दूंगा। लेकिन उन्होंने जब बहुत सारे शोध किए तो पाया कि ये घटनाएं सत्य है। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि ये घटनाएं सत्य होती हैं, वो सबसे पहले व्यक्ति थे इन पर शोध करने वाले। तो उन्हीं के पास ही केस गया। तो जब उन्होंने उनकी बात सुनी, वो स्त्री ने सारी बातें उनको बताई, तो वो उसी स्थान पर गए जिस स्थान उन्होंने बताया था, जो केसिंगटन नाम का जो घर है उस घर में वो गए। तो वहां जाके उन्होंने देखा कि एक वहां पे 80 वर्ष का एक बुजुर्ग रहता है जिसका चेहरा लंबा है, आंखें काली हैं। वो उससे बात करते हैं, बात करने पर पाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, जब मेरी जो वाइफ है वो तब यंग थी, युवा अवस्था में, उनकी टाइटैनिक जहाज में जब डूबा था तब उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, हैरानी की बात उसमें ये थी, जब उन्होंने उसे फोटो दिखाया अपनी वाइफ का, तो ये कहते हैं डॉक्टर स्टीवनसन कि उस उनकी जो वाइफ है उसका चेहरा, ये जो स्त्री है एलिजाबेथ जिसको स्वप्न दिखाई देता है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है, बहुत सिमिलर। कह रहे हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे और पक्का दृढ़ विश्वास हुआ कि ये पुनर्जन्म की घटना है। देखिए, तो ये बात क्या सिद्ध करती है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसी तरीके का हमें शरीर प्राप्त होता है, और संस्कार हमारे संकल्पों से बन रहे हैं। तो अपने संकल्पों का ध्यान रखें। अगर हम लगातार इस तरह के संकल्प करते रहेंगे कि हाय 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 हाय, तो हाय 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 वाला ही शरीर बना रहेगा। तो एक संकल्प आप ही ट्राई कर सकते हैं, एक संकल्प आप 21 बार बोल सकते हैं सवेरे उठकर। आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। जैसे आपकी सवेरे आंख खुले तो उस वक्त क्या होता है कि मेरा मन बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, जो भी मैं संकल्प उसे दूंगा वो मेरा जीवन वैसा बनाने लग जाता है। इसलिए सवेरे के समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना। सवेरे उठिए, एकदम फ्रेश है आप, मुस्कुराइए, मुस्कुराकर 21 बार एक संकल्प करिए। पर ये संकल्प आपका होना चाहिए, जैसे कि ये संकल्प ले लीजिए, संकल्प बहुत सारे हैं, इनमें से आप अलग अलग भी दोहरा सकते हैं, लेकिन एक संकल्प 21 बार कम से कम दोहराएंगे। तो ये संकल्प है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूं, 21 टाइम्स विद लव विद ग्रेट फीलिंग्स, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन। यहां पर फोकस करें, यहां पे एक स्टार देखें, विजुअलाइज करें, देखें उससे रेड लाइट निकल रही है और मेरे पूरे ब्रेन में जा रही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्जन हूं। पूरे ब्रेन में रेड लाइट समा रही है, एक एक न्यूरॉन को एक्टिव कर रही है, जो हीलिंग न्यूरॉन से मेरे एक्टिव हो रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूं। फिर विजुअलाइज करिए, अपने ब्रेन के अंदर झांकिए, थोड़ा सा देखिए कि छोटे 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 हीलिंग बल्ब से वो एक्टिव हो रहे हैं और आपस में वायरिंग कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। संकल्प करिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूं।
इसी तरह 21 बार संकल्प करिए, फिर देखिए कि वही रेड रोशनी मेरे पूरे शरीर में फैलने लगती है अंदर। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। फिर संकल्प करिए कि मेरे चारों तरफ लाल प्रकाश का गोला बनता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। फिर आप देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, जैसे आंखों के सामने टीवी चल रहा हो उसमें देखेंगे कि आप खुश हैं, दौड़ रहे हैं, मनी पीट में दर्द है तो आराम से मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं। आपकी टांग में दर्द रहता है तो देखिए आप दौड़ रहे हैं। आपके सर में दर्द है तो देखिए आप बहुत लाइट हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इस तरीके से विजुअलाइज करिए और 21 बार संकल्प करते रहिए। सवेरे उठ के करिए, देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। साइंस तो हमने समझ ही ली कि जिस संकल्प को आप बार बार करेंगे वैसा ही निशान आपके प्रकाश के शरीर में बनता जाएगा। अगर हम ये संकल्प करें तो हमारा जो दाग लगा हुआ है लाइट की बॉडी में, बीमारी वाला, वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑरा क्लींजिंग, कराते भी हैं लोग, आप खुद कर लेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो इस तरीके से करके देखिए 21 टाइम्स, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सचमुच। इसका प्रयोग आपने करना है, ठीक है, ओके।